भागलपुर में आपसी विवाद को लेकर मारपीट में चली गोली। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने कट्टा एवं जिंदा कारतूस के साथ किया एक को गिरफ्तार। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के कोयला नारायणपुर में आपसी विवाद को लेकर मारपीट में गोलीबारी शुरू हो गई। घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने जगदीशपुर पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने एक युवक को देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार कर लिया। घटना की जानकारी देते हुए सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मारपीट में गोलीबारी हो रही है, जिसको लेकर प्रभारी थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्रवाई की गई, जिसमें कोयला नारायणपुर निवासी तेजू यादव के पुत्र माहिर यादव को देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मौके से 9 जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। बताया जा रहा है कि घटना में माहिर यादव ने एक राउंड फायरिंग की थी। पुलिस को घटना की सूचना मिलने पर गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सोना न्यूज भागलपुर से इमरान अंसारी की रिपोर्ट। 4:30 शाम की घटना है। जगदीशपुर थाना अध्यक्ष को सूचना मिली थी कि ग्राम कोला नारायणपुर है, वहां पर मवेशियों को चराने के विवाद को लेकर फायरिंग हो रही है। थाना अध्यक्ष ने तत्काल कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर पहुंचा और वहां से माहिर यादव हथियार के साथ गिरफ्तार हुए हैं, जिनके पास से एक बड़ा सा मस्केट एक हथियार है और 9 जिंदा कारतूस है और एक खोखा बरामद किया गया है। इनके साथ ही इनके रिश्ते में ही लगते हैं और उनका भी काफ़ी लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है, उनकी भी छापेमारी चल रही है, उनकी भी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। तो क्या रंगदारी ये जैसा अभी तक अनुसंधान में पता चला है कि भैंस चराने के विवाद को लेकर ही फायरिंग की गई है। एक राउंड फायरिंग हुआ है और इनके पास से 9 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है।